योगी 2.0 के शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है और सीएम योगी के शपथ ग्रहण से ही जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल होने वाले शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसके अलावा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं। 12 से ज्यादा मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है, 5 डिप्टी सीएम को न्योता दिया गया है और इस बीच बड़ी खबर ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार आमतौर पर इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं, नहीं शिरकत करते हैं। तो देखिए योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं और कौन कौन है इस लिस्ट में जानने बता रही हैं मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। 25 मार्च को शपथ होना है और उसके लिए तैयारियां भी पूरी है। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए खास मेहमानों को न्योता दिया गया, जिनमें उद्योगपति शामिल है। टाटा ग्रुप की ओर से तन्मय चक्रवर्ती को न्योता भेजा गया है। माली ग्रुप से नीरज अंबानी को न्योता भेजा गया है समारोह में शामिल होने के लिए। आदित्य बिरला ग्रुप से कुमार मंगलम बिरला को न्योता भेजा गया। अडानी ग्रुप से गौतम अडानी को न्योता भेजा गया है। इसके अलावा हीरानंदानी ग्रुप से दर्शन हीरानंदानी को भी न्योता भेजा गया। साथ ही महिंद्रा ग्रुप से आनंद महिंद्रा को न्योता भेजा गया है। तो ये वो उद्योगपतियों की सूची हमने आपको दिखाई जिन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको बता देते हैं 11 मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम को भी न्योता भेजा गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। मनोहर लाल खट्टर को भी न्योता भेजा गया जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू को भी न्योता भेजा गया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, इन्हें भी न्योता भेजा गया है कि वो शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी न्योता भेज दिया गया है। विप्लव कुमार देव जो कि त्रिपुरा के सीएम हैं, उन्हें भी न्योता भेजा गया है कि वो शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। प्रमोद सावंत जो कि गोवा के सीएम हैं और इस बार शपथ लेने वाले 28 मार्च को, उन्हें भी न्योता दिया गया है। हिमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। इसके साथ ही बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी न्योता दे दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शिरकत करेंगे क्योंकि न्योता उन्हें भी दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी जिनका शपथ ग्रहण हो चुका है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी शामिल होने का न्योता दिया गया है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम की बात करें तो चोना मीन जो कि डिप्टी सीएम है अरुणाचल प्रदेश के, इन्हें न्योता भेजा गया है। जिष्णु देव वर्मा त्रिपुरा के डिप्टी सीएम है, इन्हें भी न्योता भेजा गया है। तारकेश्वर प्रसाद डिप्टी सीएम बिहार, इसके साथ ही बिहार की दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को भी न्योता भेजा गया है। और साथ ही बाई पैटर्न जो कि डिप्टी सीएम है नागालैंड के, इन्हें भी योगी के मेहमान के तौर पर न्योता दिया गया है कि ये आए और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। और देखिए योगी 2.0 के शपथ ग्रहण के लिए आपके चैनल एबीपी न्यूज ने भी की है खास तैयारी ताकि हर अपडेट, हर जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। और क्या कुछ होगा वहां पर खास, ये बताने के लिए देखिए जिया हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। और जिया मुझे लग रहा है इस वक्त आप इकाना स्टेडियम में ही मौजूद हैं, किस तरह से कल पूरा कार्यक्रम होगा जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आदर्श, देखिए लखनऊ में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो कि पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की तस्वीरें इकाना स्टेडियम से लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त देखिए मैं मौजूद हूं इकाना स्टेडियम में, ये वही स्टेडियम है जहां कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरीके से इतिहास रचने जा रहे हैं और दूसरी बात मुख्यमंत्री पद की शपथ वो इसी स्टेडियम में लेंगे। मंच सजकर तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं, वीवीआईपीज के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था है, पूरा डॉक्टर्स का भी एक पैनल कल रहेगा और हर तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और सिर्फ ये काना स्टेडियम ही नहीं बल्कि लखनऊ भी सजकर तैयार है। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए पूरा लखनऊ सज चुका है और कोने कोने पर जो पुलिस है, जो जवान है वो तैनात रहेंगे। पीएम समेत कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। लखनऊ से देखिए अंकित गुप्ता की हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लेने वाले हैं अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ और इसको लेकर के लखनऊ को पूरी तरह से सजाया जा रहा है।
इकेना स्टेडियम जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वो तो तैयार किया ही गया है, लेकिन देखिए जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें, जगह जगह बीजेपी के झंडे, उसके अलावा बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और ये इस वजह से तैयारी दिख रही है क्योंकि जो कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए, लिहाजा उसी को देखते हुए कहीं पर अमित शाह का होर्डिंग नजर आ रहा है तो कहीं पर रघुवर दास जो कि अमित शाह के साथ में प्रभारी बन के आए हैं उनका होर्डिंग है। तो लगातार अमित शाह क्योंकि जो है यहाँ पर उनके पास जिम्मेदारी है, विधायक दल की बैठक में पहुंचने वाले हैं, लिहाजा वो जो है उनके कई सारे यहाँ पर होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। उसके अलावा देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में पधारने वाले सभी महानुभावों का स्वागत, इस तरीके के लगातार पूरे रास्ते पर अगर हम बात करते हैं एयरपोर्ट से निकलने के तो इस तरीके के होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी रास्ते की अगर हम बात करें, लखनऊ के कमोवेश हर एक इलाके में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं और उसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो लखनऊ के बाहर से पहुंचेंगे लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए और उसी को ध्यान में रखते हुए ये तैयारियां की गई हैं। और लखनऊ के तमाम वो इलाके जहां से या तो आसपास होटल्स हैं या फिर जो है जो बड़े बड़े दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, वहां उन सभी इलाकों पर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी और सुरक्षा भी पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि बड़ी संख्या में लोग लखनऊ से बाहर से भी पहुँचेंगे शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए और इसी वजह से तमाम जो है चौक चौराहों पर इस तरीके से होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, पोस्टर बैनर्स लगा दिए गए हैं और सभी को एक तरीके से शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें के साथ में ही जो तमाम प्रदेश स्तर के नेता हैं उनकी तस्वीरें, और वहीं अगर हम जो है मेन रोड की बात करते हैं मेट्रो लाइन के नीचे देखिए आप किस तरीके से सिर्फ अमित शाह की सारी तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एक बार फिर से जो योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं, पूरे लखनऊ को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इस शपथ ग्रहण को और ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज लखनऊ। तो कैसे लखनऊ सजा हुआ है, क्या इंतजाम है, यह आपने अंकित गुप्ता की रिपोर्ट में देखा। आप देख रहे हैं कान्हा स्टेडियम जहां पर पोस्टर्स पटे पड़े हैं, झंडे लगे हुए हैं और कल भी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियों से जब आएंगे तो बीजेपी का झंडा जरूर लगा कर आए। संवाददाता रणवीर ने रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैं मौजूद हूँ अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ हैं। भव्य तरीके से इस स्टेडियम को सजाया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। यहाँ इकाना स्टेडियम के बाहर आप देखिए तमाम सारे पोस्टर्स लगे हैं और सारे पोस्टर्स में जो चेहरे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की पहचान, पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम वो नेता जिन्होंने इस चुनाव में बड़ी भूमिका अदा की उन सबके तस्वीरें हैं और सबके स्वागत किए गए हैं। लेकिन ये जो मेन गेट है इस गेट को देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और यहाँ पर अंदर जब जाएंगे तो करीब 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था इस स्टेडियम के अंदर की गई है। इन सभी लोगों की मौजूदगी में जब सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेंगे तो इस मौके पर पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां आएंगे। ऐसे में भव्य आयोजन होगा और ये बताने की कोशिश होगी कि 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है जिसकी वजह से ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हेलीपैड बनाए गए हैं आसपास, हॉस्पिटल बनाया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम है क्योंकि ये जो जगह है इस जगह को 25 तारीख को हाई सिक्योर्ड जोन बनाया जाएगा। तमाम बड़े नेताओं की वजह से ये पूरा इलाका सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए परमिशन होगी जिनके पास पासेज होंगे। ऐसे में बहुत बड़ी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियाँ भी लगातार चल रही हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज लखनऊ। तो कैसे कान्हा स्टेडियम झंडों से और पोस्टर्स से पटा पड़ा हुआ है ये आपने देखा। इकाना स्टेडियम का जो स्टेज है वो भी सजकर तैयार है, कल होने वाले शपथ समारोह में पहुंचे मेहमानों को कोई परेशानी ना हो इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए।
लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां लगातार परवान चढ़ रही हैं और इस वक्त मैं इकाना स्टेडियम के भीतर मौजूद हूं, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है, जो कुर्सियां इस पार्क के भीतर डाली जा रही हैं वहां पर वीवीआईपीस को बैठाया जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस वक्त फॉगिंग भी शुरू की गई है, जिससे कि मच्छर मक्खियों का जो दिक्कत है वो दूर हो सके। और जो एलईडी स्क्रीन्स कई सारी यहाँ पर लगी हैं ऑलरेडी पहले से ही, चूंकि यहाँ पर क्रिकेट के बड़े आयोजन होते रहे हैं, तो उन स्क्रीन्स पर भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। और आप देख सकते हैं कि लोगों को गर्मी न लगे, क्योंकि शपथ ग्रहण का वक्त लगभग 4 बजे का है, तो उसके लिए कूलर के इंतजाम किए गए हैं। और लगातार यहाँ पर जो कार्यक्रम की तैयारियाँ हैं वो तेजी से चल रही हैं। और अब मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि मंच की ओर की तस्वीर दिखाएं। और अब इस वक्त देखें आप मंच पर लिखा हुआ है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये स्लोगन है, ये थीम है 25 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की। पोडियम आप देख सकते हैं मंच पर लगे हुए हैं। इन पोडियम पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा जो उनके कैबिनेट के और राज्य के मंत्री होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। और आप देख सकते हैं लगातार अफसरों का जो मुआयना है वो स्टेडियम के भीतर हो रहा है। तो जो वीवीआईपीस कल पहुंचेंगे, खास मेहमान पहुंचेंगे इकाना स्टेडियम, उनको कोई परेशानी ना हो उनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, संजय त्रिपाठी बता रहे थे। अब आपको बता देते हैं कि इकाना स्टेडियम में कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए जो तैयारियां जोरों पर है, उसके पहले एक रिहर्सल हुई जिसमें तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रचने जा रहा है और इकाना स्टेडियम उसका गवाह भी होगा। मैं इस समय उसी स्टेडियम में मौजूद हूं जहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह का रिहर्सल हो रहा है, जो 25 तारीख को होना है, जहां पर पूरे देश के कई सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन और उनके साथ यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ ग्रहण करेंगे। पिछली बार और इस बार में अंतर ये कि 4 दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री दोबारा लगातार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो रहा है और बीजेपी ने भी ये इतिहास बखूबी रचा है। तैयारियां क्या है वो आपको दिखा देते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अंदर की, जहाँ पर एक और बैंड की तैयारी हो रही है, यानी कि पीएसी बैंड की तैयारी होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रिहर्सल हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह का पूरा। शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ जो तैयारियाँ हो रही हैं उसमें माइक टेस्टिंग, ऑडियो टेस्टिंग और बाकी सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे स्टेडियम की तस्वीरों को दिखाने के लिए। जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो तैयारियाँ हैं, जिसमें तस्वीर कैसी जाएगी, जिसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि आईटी सेक्शन कहाँ होगा, जो लोग आएंगे, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद होंगे, हज़ारों की संख्या, यानी कि 70,000 तो यहाँ की कैपेसिटी, और उसके बाद जो कुर्सियाँ बढ़ाई जा रही हैं उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर ज़िले से 100 लोगों को निमंत्रण जा चुका है, 100 व्यक्ति हर ज़िले से तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इस बार जो तैयारियां हैं उसमें आपको एक कमल दिखाते हैं आपको, और ये कमल की वो तस्वीर है जो यहाँ पर बीच में बनाई गई है। और ये कमल तैयार है इसलिए क्योंकि बीजेपी का निशान ही कमल है। और इन सब के बीच में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इस तैयारी के साथ साथ चारों ओर कुर्सियां लगी हैं, लाल रंग की, नीली रंग की, और इस पर ही प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों को, यानी कि जिनको पासेस दिए गए हैं उनको यहां पर बैठाया जाएगा। जो यहां की तस्वीर है वो ये होगी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो मंत्री हैं जो शपथ ग्रहण करेंगे उनके साथ कई इलाकों से, यानी कि पूरे राज्य से, जगह जगह से साधु संतों को इनवाइट किया गया है। अब जो आपको दिख रहा है वो है कि अब जो ये पूरी टेस्टिंग है ये कई संभावनाओं के साथ की जा रही है, कितने मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, और जो वीवीआईपी की सूची होगी जिसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, और जिसमें बहुत सारे बीजेपी के आला नेता भी शामिल करेंगे। 25 तारीख को शाम को 4 बजे खचाखच भरा होगा ये स्टेडियम, और यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल अलग होंगी, लेकिन वो तस्वीरें भी हम एबीपी न्यूज़ पर आपको पहुँचाते रहेंगे और हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल।
लखनऊ एबीपी न्यूज। योगी 2.0 के शपथ ग्रहण से पहले लगातार तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारी सहयोगी जिया शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं और इकाना स्टेडियम में किस तरह की तैयारी की गई है वो सब कुछ वो आपको बता रही हैं और लगातार 2.0 की शपथ से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए इकाना स्टेडियम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और एबीपी न्यूज ने भी अपने दर्शकों के लिए की है खास तैयारियां। ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट कल बहुत ज्यादा होगा, लखनऊ में क्या है तैयारियां और कैसे इकाना स्टेडियम का जो मंच है वो सजकर तैयार है और कल कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आदर्श कल इतिहास रचने जा रहे हैं उसका हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम आसानी से बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और देखिए पिछली सरकार में ही सीएम योगी ने वादा किया था कि वो यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के करीब करीब सभी बड़े कारोबारी घरानों को शामिल होने का इन्विटेशन भेजा है। मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे तब वहां पर देश के बड़े से बड़े कारोबारी घराने की उपस्थिति रहने वाली है जिनकी मदद से योगी अपने एक बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी का ये सपना है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाया जाए। वो कई मौकों पर न सिर्फ इसके बारे में बता चुके हैं बल्कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुके हैं। उत्तर प्रदेश को $1 मिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रायोरिटी सेक्टर का चयन और उस दिशा में विस्तृत कार्य योजना बनाने के साथ साथ उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स में यानी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उस दिशा में एक बेहतर पहल को एक टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को आज यहां पर अंतिम रूप देने का कार्य किया गया है। यूपी में चुनाव जीतने के 5 दिन बाद ही योगी सरकार ने इसके लिए एक बड़ा गंभीर कदम उठा दिया। 15 मार्च को सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए एक RFP यानी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया, यानी एक तरह से देश भर के कारोबारियों को आमंत्रित किया गया है यूपी में निवेश करने के लिए। इसमें टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, ITC ग्रुप, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप, फ्लिपकार्ट और IGL ग्रुप भी शामिल है। बड़ा सवाल लेकिन यह है कि क्या 5 साल का वक्त काफी है इस टारगेट को हासिल करने के लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है, उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, अब धीरे धीरे वो पुरानी स्पीड पर आ रही है, लेकिन तब भी चुनौती आसान नहीं है। अगर अभी यूपी की अर्थव्यवस्था देखें तो ये करीब 19 लाख करोड़ की है। 5 साल बाद साल 2027 तक इसे 1 ट्रिलियन यानी करीब 76 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने का टारगेट है और ये टारगेट बेहद मुश्किल रहने वाला है क्योंकि 2014 में यूपी की अर्थव्यवस्था थी 9.4 लाख करोड़ की। अभी यानी 2022 में ये बढ़कर 19.1 लाख करोड़ की हो गई है। यानी हकीकत ये है कि पिछले 8 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 गुनी ही बढ़ पाई है। हालांकि पिछले 5 साल की बात करें तो सीएम योगी की तरफ से राज्य में इंफ्रा, रोजगार बढ़ाने और विदेशी निवेश के लिए काफी कोशिशें की भी गई है और उनकी इन कोशिशों का असर दिखा भी है। यूपी में विदेशी निवेश बढ़ा है। साल 2017-18 में विदेशी निवेश करीब 578 करोड़ रुपए था। साल 2018-19 में ये घटकर सिर्फ 234 करोड़ पर आ गया, लेकिन साल 2019 और 21 में इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ और विदेशी निवेश 5758 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। योगी सरकार की कोशिश विदेशी निवेश और ज्यादा बढ़ाने के साथ देसी निवेशकों को भी अपनी तरफ खींचना है क्योंकि पीएम मोदी का टारगेट $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है।
130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है तो फिर देश का सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से यूपी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इसके लिए पुरजोर कोशिश करते हुए दिख भी रहे हैं। अगर योगी सरकार अगले 5 साल में ये लक्ष्य हासिल कर लेती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप लग रहा है 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया था, जिसके बाद लगातार सियासत पश्चिम बंगाल की गरमाई हुई है और इस वक्त बीजेपी के तमाम विधायक विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है, लगातार उनसे इस्तीफे की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं और एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश भी की। हालांकि कल शुभेंदु अधिकारी को रोका गया था और आज ममता बनर्जी घटनास्थल का दौरा करने वाले जाने वाली हैं और उसके पहले ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल विधानसभा से, जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी के तमाम विधायक इकट्ठा हैं और वो बीरभूम हिंसा को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। यूपी को लेकर बीजेपी की अहम बैठक लगातार जारी है। संसद भवन में ये बैठक चल रही है जहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। बैठक के बाद नेताओं की पीएम से भी मुलाकात संभव हो सकती है, क्योंकि कल भी देखिए जेपी नड्डा के घर पर लगातार 2.5 घंटे तक बैठक चली थी। मंथन हुआ था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ, कौन कौन से लोग मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, किसको किसको मंत्री बनाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है ये जो अहम बैठक हो रही है ये तमाम किन जो नाम है उनको अंतिम रूप देने की कवायद के तौर पर हो रही है। संसद भवन में ये बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक के बाद नेताओं की पीएम मोदी से मुलाकात होगी, मुलाकात संभव है और उस मुलाकात पर हो सकता है कि जो तमाम नाम फाइनल किए गए हों उस पर मुहर लग जाए, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह को लखनऊ भी रवाना होना है। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसी में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये तमाम औपचारिकताएं आज देर शाम तक पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन उसके पहले जो सबसे अहम बात कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसको किसको मंत्री पद मिलेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा अभी भी बीजेपी में लगातार जारी है। संसद भवन के भवन में ये बैठक चल रही है जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। कल जेपी नड्डा के घर पर ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली थी, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, बीएल संतोष मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, चर्चा हुई थी और अब एक बार फिर संसद भवन में ये अहम बैठक लगातार जारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।